कि गृहस्थ जीवन को यदि धारण करते हो तो उस गृहस्थ को निभाने का, उस आश्रम को निभाने का भी पूरा प्रयत्न किया करो। गृहस्थ यदि संभाल न पाओ तो गृहस्थ को धारण करने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए संभालने का प्रयास करो, और संभाल सकते हो तभी गृहस्थ में प्रवेश करो, अन्यथा गृहस्थ में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम देखते हैं हर तीसरे दिन, अभी विवाह का निमंत्रण था, पता चला कुछ महीने में ही तलाक हो गया। ये रिश्तों को तोड़ने की परिपाटी आई कहां से? हमारे यहां तो नहीं थी ये, हमारी संस्कृति या हमारी परंपरा तो नहीं है। ये तलाक शब्द उर्दू का शब्द है और डिवोर्स अंग्रेजी का शब्द है। हमारी परंपरा में तो टूटने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए कोई शब्द ही नहीं है। यहां रिश्तों को तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता एक बार जुड़ जाता है वो सदैव के लिए जुड़ा रहता है। यहां तोड़ना नहीं, यहां जोड़ना जानते हैं। ऋषियों ने तोड़ने के लिए नहीं, गृहस्थ को जोड़ने के लिए ये परंपरा दी कि जब शिव और पार्वती मिलते हैं तो अर्धांग कहलाते हैं, आधे अर्ध नारेश्वर कहलाते हैं भगवान शिव, आधे नर और आधे नारी होते हैं। जब आधे पार्वती का स्वरूप और आधा भगवान का स्वरूप मिलकर के पूर्ण होते हैं, यही समाज को परंपरा दी कि यदि गृहस्थ में प्रवेश करते हो तो दोनों इस तरह से गृहस्थ को जियो जैसे गाड़ी के पहिए दो होते हैं, लेकिन रथ तो एक ही है, गाड़ी तो एक ही है। पक्षी के पर दो होते हैं लेकिन पक्षी तो एक ही है। किवाड़ दो हो सकती है लेकिन दरवाजा एक ही है। गृहस्थ में पति पत्नी शरीर से दो हो सकते हैं लेकिन मन से, आत्मा से, कर्म से एक ही हो जाए। यदि इस भाव से जुड़ते हो तो गृहस्थ में आपको आनंद मिलेगा, नहीं तो यही कहोगे शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। ऐसे ही रोग, क्योंकि समझा ही नहीं है, अपनाया ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया है, एक हुए ही नहीं है। और भगवान मनु कहते हैं कि दो शरीरों का मिलन तो ऐसा समझ लो कि दो लाशों का मिलन है। जब तक मन का मिलन न हो, जब तक मन से दो लोग न मिलें, तब तक शरीर और शरीरों का मिलन कुछ मिलन नहीं होता। आपको जोड़ने के लिए आपके विचार मजबूत होने चाहिए। छोड़ो इस अहम को और भ्रम को, बड़प्पन को छोड़िए। लोग कहते हैं हम बड़े के हम बड़े, परिवार टूट रहे हैं इसी में, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता और हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। मैं आपसे कहूंगी गृहस्थ में जब आ गए तो बड़े और छोटे की ये जो भावना है वो समाप्त कर दीजिए। यदि पूछा जाए तो कौन बड़ा है तो कोई नहीं बता पाएगा। अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य को जो ईमानदारी से निभाता है वो बड़ा है। और फिर बड़े कोई भी हो, आप बड़े हो या फिर ये बड़ी हो, मैं उदाहरण के लिए कहूं कि जैसे एक घड़ा होता है वो बड़ा होता है, एक लोटा होता है वो छोटा होता है, लेकिन जब घड़े से लोटे में पानी डालना है तो थोड़ा सा घड़े को भी झुकना पड़ेगा और थोड़ा लोटे को भी झुकना पड़ेगा, तभी जा करके कार्य सिद्ध होगा। वैसे ही गृहस्थ की बगिया जीवन सुंदर बनाना है तो थोड़ा आपको भी झुकना पड़ेगा और थोड़ा आपको भी झुकना ही पड़ेगा। और झुकने में कुछ नहीं, यदि थोड़ा झुकने से मेरा परिवार सुखी होता है, यदि थोड़ा झुकने से मेरा जीवन सुंदर बनता है, यदि थोड़ा सा झुक जाने से मेरी संतति संस्कारवान बनती है, मेरी संतति जुड़ी रह सकती है, मेरा परिवार जुड़ा रह सकता है, तो झुकने में क्या जाता है। अकड़ने से सब टूट जाएगा और झुकने से सब जुड़ा रहेगा। इसलिए थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो अहंकार छोड़ करके गृहस्थ की बगिया को सुंदर बनाओ।